हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अभी सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं अराउंड 6। तो अभी बहुत सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि आज स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। और अभी अनिरुद्ध भी ऑलमोस्ट उठ गए क्योंकि वो भी हिलडुल हिलडुल कर रहा है। वो लोग भी बहुत सुपर एक्साइटेड है क्योंकि अराउंड कितना 17-18 मंथ के बाद वो लोग स्कूल जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही है। तो अभी वो लोग के लिए लंच बनाऊंगी और इमोशनल वाला होने वाला ये वाला ब्लॉग क्योंकि वो लोग काफ़ी दिन के बाद स्कूल जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो लंच दूंगी, वैसे तो इन लोग को लंच प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल से, बट हम लोगों ने सोचा है कि फर्स्ट एक दो दिन लंच देते हैं। पता नहीं क्या होगा, नया है ये लंच देने का रूल, तो देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Why did you wake up so early? Because I didn't have any sleep. You didn't have any sleep? Yep. Why? Because I didn't feel tired. Because today is the first day of school, that's why. Yes. Super excited? Yes. आशय रेडी हो गया है, बिल्कुल 7:30 बज रहा है। और अनिरुद्ध रेडी ना? आर यू गोइंग टू मिस मी? आई एम गोइंग टू रियली मिस यू, खूब मिस करब, छोटा खूब मिस करब ना ले। কি করবি স্কুলে? কি করবি? হ্যাঁ রে, শুন কি আমার, দেখি মুখটা দেখি, দেখি মুখটা দেখি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ
चलो ठीक है तो अभी 9 बज रहा है और सारे के सारे बच्चे, दोनों ही बच्चे चले गए हैं स्कूल। आज सच में बोलू घर बहुत खाली लग रहा है। इस टाइम में क्या होता है ना, हलचल रहता है। इस टाइम में सब उठते हैं दोनों और खाना वाना ब्रेकफास्ट बनाना रहता है तो बहुत हलचल रहता है। बट आज थोड़ा सा घर सन्नाटा टाइप का रहता है, इस जगह पे लदे हुए रहते हैं दोनों, तो घर आज थोड़ा सा खाली लग रहा है। बट क्या करे, ये लोग की लाइफ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जाना ही पड़ेगा। और अभी बनाना है खाना, लंच अभी बना लूँगी। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है तो जल्दी जल्दी कर लेना ही बेहतर है, थोड़ा टाइम मिलेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा काम जल्दी 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 फिनिश कर ले रहे हैं। बट क्या करो, आज मन थोड़ा सा ये लग रहा है कि बहुत दिन बाद जा रहे हैं स्कूल ना। इस अराउंड 18 मंथ जैसा हो गया था जब अब वो लोग जा रहे हैं स्कूल, और इस पैंडेमिक के दौरान भी स्कूल जा रहे हैं तो वो तो डर लगता ही है। बट होप फॉर द बेस्ट, वो लोग अच्छी तरीके से रहेंगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो आप लोग के भी बच्चे अगर जा रहे हैं स्कूल, आपका फीलिंग कैसा हो रहा है इस टाइम में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए झटपट से काम शुरू कर लेते हैं। अपने फेवरेट प्लेस, फेवरेट जगह पे है, स्कूल में है, जो कि जहाँ पे वो लोग कुछ सीख सकते हैं वो घर में नहीं सीख सकते हैं। तो बेहतर है स्कूल जाना और होपफुली सबका हेल्थ भी ठीक रहेगा। थोड़ा थोड़ा मन में डर भी लग रहा है बट ठीक रहेगा। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स बी पॉजिटिव कि अच्छा ही रहेगा। तो अभी दोपहर के 1 बजे इस टाइम में मैं खाने देने का प्रिपरेशन करती हूँ और खाना देती हूँ, चिल्लाती हूँ जल्दी करो जल्दी करो, अभी पानी रखो, खाना देना है, चलो सब। तो ये सब काम करती है तो आज थोड़ा सा ये लग रहा है बट ठीक है ना। और आज एक चीज़ किया, जैसे कि सैटरडे को अनिरुद्ध का बर्थडे आ रहा है तो थोड़ा सा हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो उसका रिटर्न गिफ्ट भी पैक कर रहे थे। तो आज बहुत बड़ा काम हो गया है और आज काम तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। अराउंड 11 o'clock में मेरा काम ख़त्म हो गया था, खाना वाना सब घर वर क्लीन हो गया था। तो अभी हम लोग दोनों, हम और उज्ज्वल करेंगे लंच, उसके बाद अभी 1 बजे 3:30 बजे बाद से शुरू हो जाएगा फिर से चहलकदमी। अनिरुद्ध आ जाएगा उसके कुछ देर के बाद, अभी आ जाएगा। तो बस, और बच्चे रहते हैं तो लगता है कि कितना काम है काम है, बट बच्चे जब निकल जाते हैं ना तो लगता है कि यार खाली बैठे हुए हैं, बट लाइफ ऐसे ही चलता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट खाना वाना खा लेते हैं। सो ये रहा लंच, जो कि है चिकन जो कि पालक से बनाया है और मेथी का पराठा, साथ में आलू फ्राई किया हुआ। तो यही रहा सिंपल सा लंच। सो ये रहा, अनिरुद्ध आ गया है और बिजी हो गया है कि उसको क्लास में क्या क्या मिला है तो वही सब देख रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहा उसका दिन और उसने बहुत सारे इंजॉय किया। तो अभी बस वो नहाने वहाने वाला है, और जैसे कि बर्थडे है तो हम लोग थोड़ा सा डॉलर ट्री भी चले गए। और बस वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि आपने ये वीडियो आज इंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।